हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे एकदम मजे में होंगे। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूं। तबीयत थोड़ी बेटर है, आराम बेटर है, सब हैप्पी है। बस थोड़ी आजकल एनर्जी जो है थोड़ी सी लो रहती है, तो कुछ प्रॉब्लम अपन डाउन आते ही रहते हैं। तो आज मैं आई हूँ अपने खुद के रेस्टोरेंट में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसका टूर करा ही देती हूँ, अपने रेस्टोरेंट आई हूँ। तो ये है हमारा रेस्टोरेंट, कम ऑन आ रहा। तो यहाँ से हमारे रेस्टोरेंट का एंट्रेंस शुरू होता है। ये छोटा सा पैटियो है एंड पैटियो के बाद में एंट्रेंस है। यहाँ से इसका नाम है महाराज इंडियन ग्रिल। आ रहा, यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहा है। आ रहा, कैन यू से हाय? व्हाट यू वांट टू ईट? ओह नो, कम ऑन, करिए। ओके, गो एंड ओके। एंटर करते ही यहाँ पे इस तरह से काउंटर है, एंड देन इज लाइक दिस, जस्ट लाइक दैट, एंड इट इज द एंट्रेंस, एंड दिस इज आवर बार। फाइनली वी केम बैक फ्रॉम रेस्टोरेंट। तो अभी बज चुके ऑलमोस्ट 5-4 बजे के करीब। मैं वहाँ से निकली थी और अभी आ रहा तो गाड़ी में ही सो गया था। जैसे ही बैठा वो बैठते ही सो गया था। तो अभी मैं पहुँची हूँ घर पे, तो मैंने सामान उतारा है। और कल जो है मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, तो मैंने सोचा आई शुड शेयर विद यू गाइज कि मैंने क्या शॉपिंग करी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा शॉपिंग करके, तो इस वीडियो में मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। तो आरओ के लिए मैंने स्क्रैचर के शूज़ बाय किए हैं, उसको बहुत पसंद है लाइट वाले शूज़। तो ये लाइट वाले शूज़ हैं और इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये एक और पेयर उसके लिए बाय करके लेके आए हैं। एंड इसी के साथ में वहाँ पे सेल लगी हुई थी, मेमोरियल सेल, बाय वन गेट सेकंड वन 50% ऑफ। तो एक जो है हमने पहले बाय किया था मनोज के लिए शूज़, एंड ये वाले, ये उसके रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम के शूज़ हैं ये वाले। इस तरह से काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, कंफर्टेबल हैं, उसने पहले भी ट्राई किए हैं इसलिए उसने फिर से यही बाय किए हैं। तो हमें जो है आरओ के शूज़ पे 50% डिस्काउंट मिल गया था। ये वाले जो शूज़ हैं मनोज के, ये हैं 34.99 के, और उन्होंने गलती से हमें चार्ज किया है इसमें $39। इसको मुझे जाना रिटर्न रिटर्न तो नहीं जाऊंगी मैं बात करने के लिए कि क्यों मुझे एक्स्ट्रा चार्ज किया है, दे विल रिफंड इट। और मैं गई थी फिर रॉस, उसी के बगल में ही है रॉस। तो रॉस से मुझे ग्लासेस लेने थे पानी पीने के वाले, और मुझे काफ़ी अच्छे वहाँ पे ग्लासेस मिल गए। तो मैं दिखाती हूँ इस तरह से, ये काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है, तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। चेक में इसकी शेप है, कलर है इस तरह से। ये 10 का जो है सेट है ग्लास का, और मुझे मिला ये 7.99 में, लाइक $8 में मुझे ये 10 ग्लासेस का पूरा सेट मिल गया अच्छे से। तो आई लाइक इट दिस वन। और रोज से मैंने और भी 2-3 चीज़ें की थी जो कि मुझे वहाँ पे बहुत पसंद आई, आपको भी आई होप पसंद आएगी। ये देखिए मैंने वहाँ से फ्री स्टाइल में इस तरह से ड्रेस ली है, ऐसे इसका लुक आता है और ऊपर से इस तरह से दिखाई दे रही है, एकदम फ्री है। तो मुझे अभी आजकल थोड़ा साइज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही करके मैंने वहाँ से 3 ड्रेसेस ली, एक को मैं ऑलरेडी कल पहन चुकी हूँ रात को, और इसमें मोर के पंख बने हुए हैं एंड ये मेड इन इंडिया है। और एक मैंने ये लिया इसी तरह से, कलरफुल सा है थोड़ा सा। तो मुझे इनका कपड़ा बड़ा ही कॉटन का है, ये मुझे कंफर्टेबल लगा। रॉस में आजकल ऐसे भी आ गए, वैसे इंडिया में कुर्तियाँ बोलते हैं इनको, ये हैं, मैं इनको ड्रेसेस की तरह ही पहन रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैं इसको पहनूँगी तो आपको दिखाऊँगी कैसा लग रहा है वो। और एकदम फ्री है, फ्री साइज इन पर लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा था। और एक मैंने ये ड्रेस लिया है वहाँ से,
इस तरह से ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड। ये कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये सब मैंने नाइट में पहनने के लिए लिए हैं, क्योंकि नाइट में मुझे आजकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लास्ट टाइम पे ना कंफर्टेबल तो हो ही रखा है सोने के टाइम पे, और मेरे सारे कपड़े टाइट हो रहे थे तो मैंने ये एकदम फ्री साइज में लूज वूज लिए हैं, ताकि रात को ना मुझे इतनी गर्मी लगती है आजकल, बर्निंग होती है कि बस पूछो ही मत। तो मैंने ये कम्फर्टेबल से कपड़े लिए, आई होप ये ऑल कम्फर्टेबल रहेंगे। बुक मैंने वहाँ से लिया है, स्टोरी बुक, ये है बेड टाइम स्टोरी बुक। आजकल है ना आरव को 5 मिनट बेड टाइम स्टोरीज हैं, इसमें आरव को स्टोरी सुनने का बड़ा चस्का लग गया है, उसको रात को डेली बोलने लगता है मम्मी पहले स्टोरी सुनाओ तो ही मैं सोऊंगा। अब मैं अपनी जो स्टोरी मुझे आती थी वो सब सुना सुना के उसको रट गई है वो, और वो कहता है नहीं मम्मी नई स्टोरी बनाओ अभी, ये पुरानी वाली नहीं। तो मैं एक बुक लेके आई हूँ, मुझे ये वहाँ पे रोज़ में मिल गई थी और काफ़ी अच्छे प्राइस में थी, 399 में थी। इसमें आई थिंक 50 स्टोरीज हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं पढ़ लूँगी तो उसको सुना दूँगी अच्छे से। और उसके बाद में लेके आए थे उसके लिए वहाँ से 2-3 टॉय लेके आया है वो, उसकी भी एक्साइटमेंट ऐसी है बच्चों की, तो एक बार टॉय आ गए तो उसने खोल डाले वो सब टॉय। बट मेरे पास बॉक्स और टॉय तो हैं ही, यहीं पर मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या वो लेके आया है। और अपने से रिलेटेड एक और चीज़ मैं लेके आई हूँ, ये है ये डिश वॉशिंग के लिए, इसमें सोप डाल सकते हैं, और यहाँ पे साथ में ही स्पंज का ये है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी इसका कलर, और इसके अंदर जो है ना ये छेद तो है यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे डाइल्यूट करके डालना है तो इसमें मैं डाल सकती हूँ। ये मैं लेके आई, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इस तरह से इसमें सोप डालो डाइल्यूट कर लो और यूज़ करके रख दो। मैं उस प्लास्टिक वाले डिब्बे में यूज़ करती थी, अब नो मोर प्लास्टिक वाला डिब्बा। एंड देन अभी मैं आपको दिखाती हूँ आरव की टॉय। तो आरव ने लिया ये टॉय, जंगल सफारी थीम में है ये, इस तरह से ऐसे ये उसने लिया है और इससे बहुत खेल रहा है। उसको रात को भी बंद कर देती हूँ मैं अभी। ये उसने टॉय सेट लिया और एक उसने मॉन्स्टर ट्रक लिया है जो कि रिमोट से चलता है, वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। वो रात को इनको अपने साथ ही लेके सोया इतनी एक्साइटमेंट में, और सुबह बिना उठाए खुद ही उठ गया, उठते ही अपने टॉय को लेके आके खेलने लगा, और उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। तो यूजुअली जो है मनोज का मंडे ऑफ होता है तो हम लोग इंजॉय करते हैं, उसको भी था, लेकिन इस बार किसी और को चाहिए था तो मनोज ने उसको दे दिया ऑफ। और क्योंकि हमारी जेंडर रिवील पार्टी वाला प्रोग्राम जो था आज के दिन वो कैंसिल हो गया, हमने थोड़ा पोस्टपोन किया है, हम करेंगे ज़रूर, क्योंकि किसी और को ऑफ चाहिए था और मनोज उसको थोड़ा ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, तो इसीलिए हमारा प्रोग्राम आज का कैंसिल हुआ। तो आर सुबह से जीत करके बैठ गया, क्योंकि आज स्कूल नहीं था, आज है मेमोरियल डे तो उसको स्कूल नहीं जाना था। मैं भी जाऊँगा पापा के साथ, पापा कहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर देखने के लिए, तो उसको रेस्टोरेंट लेके गई थी आज मैं, तो अभी मैं उसको वापस ले आई हूँ, अब वो सो ही रहा है, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ उसके साथ। मैं काफ़ी थक गई हूँ वहाँ से सुबह से वहाँ पर बैठ के, तो मैं सोचा कि शॉपिंग हॉल तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही है। काफ़ी दिन से मैं तबीयत थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है, आरव की भी मेरी भी, ऐसे ही थकान लगती रहती है, तो वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, फ्रेंड्स लोगों ने, कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरी इतने केयर करने के लिए। ट्राई करती हूँ मैं रेगुलर वीडियो डालने का, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, अभी कंडीशन ही कुछ ऐसी है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, हमारा रेस्टोरेंट, ये मेरा शॉपिंग का कुछ भी, या मेरी बातें, या मेरा बच्चा, कुछ भी पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से, अपना प्यार इसी तरह से दिखाते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।